फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पंडा। आज एक्सएल 100 BS4 गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है और बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। आज इस परेशान को हम दूरी करें और कैसे विदाउट ओबीडी के सहारे हम टेस्ट करेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिए, काम पे मत देखिए तो आपकी परेशानी दूरी हो जाएगी। ये है ECU एक्सएल 100 VS4 गाड़ी का, जो कैसे विदाउट ओबीडी के सहारे हम इस ECU को चेंज करेंगे। आप भी कैसे 100% कंफर्म हो सकते हैं और उनकी कितने प्राइस है आज इस वीडियो में। अभी हमें यहाँ पर जो बॉक्स है इस बॉक्स को निकालेंगे। निकालने के बाद उनके अंदर एक ECU रहता है, वो ECU कहाँ से आती है और कहाँ मिलती है, कितना प्राइस है, इस वीडियो में देखेंगे। अभी हमने चाबी को लेकर आएंगे और इसको बॉक्स खोल के इनको 8 mm का 2 बोल्ट और स्क्रू और यहाँ पर स्क्रू उनको निकालेंगे, फिर चेक करके आपको मैं बताऊंगा। अभी हमें पूरी तरह से ECU को निकाल दिया और ECU को कैसे ख़राब हुआ आप 100% कन्फर्म होंगे। अभी हमने देखेंगे, जो देखो जब ECU ख़राब हो जाएगा तब तो ECU हीट हो जाएगा और बैटरी भी हीट हो जाएगा, और जब वायरिंग का प्रॉब्लम होगा तो फ्यूज चला जाएगा, लेकिन इस गाड़ी में फ्यूज नहीं गया है और बैटरी हीट होकर डिस्चार्ज हो गया है। क्योंकि ये सब परेशानी ECU ख़राब होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, ECU गर्म हो जाएगा और बैटरी भी गर्म हो जाएगा, फ्यूज नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो परेशानी होती है ज़्यादा समय, जो गाड़ी रख देंगे लगभग 2-3 महीने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे ज़्यादा स्पीड चलाने से ये परेशानी होती है। देखो ये इंडिया ECU का पार्ट नंबर P7320170-3035 है। अभी हमने कैसे देखे ECU तो आ गया, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे ये सेम है कि नहीं है, क्योंकि उनकी एक वर्जन कोड रहता है, वो वर्जन कोड मिलाने से ही आपका ECU ठीक से होगा। क्योंकि वर्जन कोड ठीक से नहीं हुआ तो ECU गाड़ी में नहीं लगेगा। देखो ऊपर जो लोग V101 लिखवा, देखो नया ECU में, अभी हमने पुराने ECU में V01 लिखा हुआ कि नहीं हुआ देखेंगे। अभी मैंने इस ECU को निकाल देंगे। देखो ये मैग्नेट कॉइल का तार है और ये है स्टार्टिंग और लाइटिंग कॉइल का, सभी तार वायरिंग हेरन से आया है। अभी मैंने नया ECU को लगाएंगे। देखो थोड़ा आराम से लगाना, क्योंकि बैटरी तार को डिस्चार्ज करके लगाना, क्योंकि बैटरी को वायरिंग का प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत होगा। अभी देखो मैंने पहले क्या बताया था, जो वर्जन रहता है वो वर्जन सेम है कि नहीं है हमें चेक किया। अभी मैंने लाइट और स्टार्टिंग का कपलर डाल दिया, ये है मैग्नेट कॉइल का तार है और यहाँ पर बैटरी तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये लाइटिंग सेक्शन का तार है। अभी दोनों सभी कपलर प्रेस हो गए हैं और मैंने कपलर को उनकी जगह पर बैठा कर जो 8 mm का बोल्ट है हमें पूरी तरह से टाइट कर दिया है। देखो अभी ECU नहीं हिल रहा है। अभी हमने नेगेटिव तार को निकालेंगे, देखेंगे शॉर्ट हो रहा है कि नहीं। पहले क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा, स्पार्क हो रहा था, लेकिन अभी स्पार्क नहीं हो रहा है, अभी ठीक ठाक से हो रहा है। अभी हमने पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार बोल्ट को पूरी तरह से टाइट करते हैं, देखेंगे। और जहाँ ऊपर का जो बैटरी सपोर्टर रहता है वो सपोर्टर बोल्ट को टाइट कर देंगे, क्योंकि बैटरी हिल ना पाए, देखेंगे। तो अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, देखो बैटरी हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी हमने देखेंगे। देखो अभी हमें विदाउट बैटरी चार्ज नहीं है, लेकिन करंट चेक करेंगे, करंट ठीक से आ रहा है।
अभी हमने प्लाव को पूरी तरह से टाइट कर दिया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया आसानी से किक पेडल लगा कर, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं और सभी परेशानी दूरी हो गया। देखो अभी हमने बैटरी कवर को और इशू की चारों तरफ कवर को फ्यूज को निकाल कर फ्यूज बॉक्स को निकाल कर पूरी तरह टाइट कर दिया। देखो मैंने सभी बोल्ट तार को लगा लिया। अभी देखो ये सब फ्यूज निकाल देने से गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाती है, क्योंकि जो नीचे एक फ्यूज रहता है जो हॉर्न सपोर्टिंग वो नहीं लगाया गया है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट बंद हो जाती है। देखो अभी सभी को फ्यूज लगाया, गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो गया है। देखो अभी पूरी तरह से मैंने गाड़ी का चारों नट बोल्ट टाइट कर दिया है और देखो ये है जो फ्यूज बॉक्स है, जो इस फ्यूज बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने से नहीं इंडिकेटर लाइट और हॉर्न नहीं लगेगा, क्योंकि ये नेटवर्क का तार है वो हॉर्न। देखो मैंने हॉर्न बजाया नहीं आवाज़ आया। अभी मैंने पूरी तरह से फ्यूज बॉक्स को लगाया और हॉर्न दबाया, देखो कैसे आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर। देखो अभी हमने पूरी तरह से फ्यूज बॉक्स को फ्यूज लगाकर उनके ऊपर कवर है तो कवर डालकर गाड़ी को स्टार्ट कर ट्रायल जाएगा। देखो पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं दे, अभी देखो 5,033 रुपये जो कार नंबर पूरी तरह से। अभी ड्राइविंग में निकला तो गाड़ी क्या परेशानी होती है कि नहीं होती, तो एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं, और ट्रायल आने के बाद बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो गया। सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय जगन्नाथ।